हरियाणा के रोहतक में कत्ल का बदला लेने के लिए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमलावरों ने युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली युवक के सिर में लगने से उसकी खोपड़ी फट गई और भेजा बाहर निकल गया। मृतक हत्या के केस में जेल में बंद था। कुछ माह पहले ही वह जमानत पर बाहर आया था। वारदात उस समय हुई जब युवक रविवार देर रात को मोटरसाइकिल पर सवार होकर शराब ठेके पर देखरेख के लिए गया हुआ था। इसी दौरान उसके ही गांव के 10-12 लोगों ने उस पर फायरिंग कर दी। युवक को 2 गोलियां लगी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस के अनुसार रोहतक के गांव सीसर खास निवासी नवीन ने महम थाने में मर्डर की शिकायत दी है। शाम में करीब 11 बजे से सुनील नाम का लड़का सीसर का ये बता रहे हैं कि पहले 4 साल पहले इनका कोई मर्डर हुआ है। हां जी सर, हो सके है अभी क्लियर नहीं है, कोई भी बात जांच चल रही है। नाम तो भाई नहीं, मैं खैर तक क्या कोई आरोप करूँ से कोई सामने है। दो तीन आदमी है जैसे श्री भगवान है दर्ज कर दी, पोस्टमार्टम कराएंगे और 2-3 टीम सीए वगैरह की और हमारे थाने की लगी हुई है। आप जल्दी गिरफ्तार करें।